किसान मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर जी मेरे साथ हैं। सर, एमएसपी को लेकर सरकार ने कमेटी बनाई है, लेकिन विपक्ष ने आज भी प्रोटेस्ट किया है और कह रही है कि ये छलावा है, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी सहित अनेक राजनीतिक दलों की सरकार रही है और उन्होंने छलावा ही किया है किसानों के साथ, तो उनको लगता है कि छलावा शब्द उनको एक आदत में आ गया है। मेरा मानना है, मैं कमेटी का स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी कमेटी बनाई गई है, उसमें बहुत योग्य और सुयोग्य लोगों को रखा गया है, किसानों के प्रतिनिधि भी बहुत अच्छे रखे गए हैं। और आने वाले समय में देखिएगा, एमएसपी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये इतना आसान नहीं है कि तुरंत कोई कानून बनाने की घोषणा इस पर कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बड़े विश्वास से कहता हूँ कि आज भी सरसों का जो भाव सरकारी रेट अगर 4650 है, तो बाजार में सरसों किसान का 7000 और 8000 में बिका है। तो अगर इस सब को देखते हुए मैं चाहूँगा सरकार कोई अच्छा निर्णय इसमें करे, और मुझे उम्मीद है कि किसान के हित के लिए, किसान की आय को बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी संकल्पित हैं, और निश्चित रूप से ये कमेटी बहुत अच्छा काम करेगी। एक सवाल और है, अभी जो विपक्ष का जो प्रोटेस्ट था उसमें जीएसटी के मुद्दे पर भी, जो खान पान की चीज़ों पर लगाया, आप किसान मोर्चा से भी हैं और आम लोगों के बीच से आते हैं, क्या लगता है कि जीएसटी जो खान पान की चीज़ों पर बढ़ाया है उसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया है, वो गलत है? देखिए, सरकार कभी भी निर्णय करती है, और मोदी जी की सरकार कभी भी निर्णय करती है तो वो 125 करोड़ देशवासियों के हित में रख के करती है। आज आप देख रहे हैं कि चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, पड़ोसी राज्यों की आर्थिक स्थिति की क्या हालात हो गई है, तो पूरा देश और दुनिया देख रही है। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से अडिगता के साथ और अच्छे निर्णय करके जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि वो सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट, और इसी पर माननीय मोदी जी काम भी कर रहे हैं। और चाहे किसान का हित हो, नौजवान का हित हो, 125 करोड़ देशवासियों का हित हो, मोदी जी निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। और विपक्ष जो है नकारात्मकता की राजनीति कर रहा है, वंशवाद और परिवारवाद से ग्रसित विपक्ष परेशान है, हैरान है, हताश है, निराश है। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसके बाद उपचुनाव हुए, उसके बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।